अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। शरीफ फैमिली की अडियाला जेल में मोजें लग गई। अडियाला जेल में शरीफ फैमिली को मेज़ कुर्सियाँ मिल गई। कैप्टन सफदर की फरमाइश पर दाल माश पका कर दी गई। साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अडियाला जेल में टीवी मेज़ और कुर्सियाँ मिल गई। अखबारात भी मुहैया किए जा रहे हैं। अडियाला जेल में कैद साबक वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गुज़िश्ता रोज़ दाल माश खाने की फरमाइश की तो उनकी फरमाइश का लिहाज करते हुए दाल माश पका कर दी गई। कैप्टन सफदर ने कोल्ड ड्रिंक्स का टिन पैक, आलू बुखारा और आड़ू वगैरह भी मंगवाए। रोजनामा दुनिया के मुताबिक दोनों का खाना और नाश्ता जेल किचन और कैंटीन से तैयार किया जा रहा है। नाश्ता में अंडा, डबल रोटी और चाय शामिल है। नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर ज़्यादातर वक्त खामोशी से गुजारते हैं। मियां नवाज शरीफ सारा वक्त कुछ पढ़ते रहते हैं। जेल के किसी मुलाजम से उनकी बात होती ना वो खुद करते हैं। अलबत्ता दोनों के चेहरे पर इत्मीनान नज़र आते हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि टीवी पर सिर्फ मखसूस चैनल ही आते हैं। नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर की बैरक्स अलग-अलग ब्लाकों में हैं जिनका आपस में राबता नहीं हो सकता और मुलाकात भी जेल हुकाम की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मरियम सफदर समेत तीनों असेरों के चेहरों के तासरात ऐसे हैं कि वो यहाँ से जल्द ही रहा होने वाले हैं। उन्हें जेल में तवील सजा की कोई तवक्को नज़र नहीं आती। मियां नवाज शरीफ ने अपनी बैरक के बाहर बरामदे में चहलकदमी को मामूल बना रखा है। जेल के दौरान मुलाकात, किसी को उनका इंटरव्यू या आवाज़ रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस खबर में कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।